उसका बैकग्राउंड भी आप सुन सकते हो, यहाँ पे लगाया गया टेप रिकॉर्डर, तो उसमें ही उसमें से ही वॉयस आता है। ठीक है, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे आर डी द वेलवे सर, स्वागत है सबको एक न्यू ब्लॉग्स में। ठीक है, हम आके पहुँच चुके हैं रंगोली गार्डन्स पे, और इसका अदर नेम भी आप ये बोल सकते हैं कि मॉडल विलेज। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्लेस है घूमने के लिए, और यहाँ पे बहुत कुछ देखने के लिए है, और मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। और इसका लोकेशन जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे इसका एड्रेस और इसका लोकेशन पूरा दे दूंगा। अगर आप आपके फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ आना चाहते हैं यहाँ पे आप आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको दिखाएंगे जो है हमारा जो पार्किंग प्लेस, जहाँ पे बाइक और आपका अगर फोर व्हीलर है वो पार्क होता है। तो और इसका फ्रेंड्स, ये सामने आप देख पा रहे होंगे हमारा बाइक यहाँ पे पार्क हुआ है, ये पार्किंग प्लेस है टू व्हीलर के लिए। ठीक है, इन्होंने बनाया है, और यहाँ पे देख सकते हैं फोर व्हीलर पार्किंग है। ठीक है, और ये फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये टिकट काउंटर यहाँ पे रखा हुआ है, शायद आगे जाके टिकट काउंटर होगा। और यहाँ पे देखिए पार्किंग का जो है इन्होंने बोर्ड लगाया है यहाँ पे, तो पार्किंग का चार्जेस आप देख सकते हैं। टू व्हीलर के लिए 10 रुपीज़ है, थ्री व्हीलर 30 रुपीज़, फोर व्हीलर 30 रुपीज़। और अगर आप कोई भी ट्रैवल या फिर बस में आते हो तो आपको जो है 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस है इन लोगों का, तो यहाँ पे देखिए जैसे ना गांव में जैसे होता है, राइट, तो वही सेम फील। तो फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे कि बचपन में हमारा जो घर होता था विलेज में गांव में, तो वैसा है यहाँ पे भी है। इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसको डेकोरेट किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज़ डोंट टच, मतलब यहाँ पे लिखा है कि किसी को टच नहीं करना है। और ये इसका जो नाम है, इसका घर का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा है यहाँ पे वकलिंगाज हाउस करके। ठीक है, और आपको पूरा दिखाते चलेंगे। साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिनिक एक बना हुआ है,
ट्रेडिशनल डॉक्टर्स क्लिनिक, ठीक है। और यहाँ पे इलाज चल रहा है, जैसे कि पुराना ज़माने में जो है इलाज करते थे वैसे ही इलाज। यहाँ पे देखिए किसी का हाथ टूट गया है पूरा, ऐसा फील हो रहा है उसको, और इन लोगों ने बनाया है पूरा एकदम से। तो अगर मैं आप चांस लेके दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं उसके पास में ही आपको मिलेगा किराना शॉप। देखिए पूरा सब कुछ सामान यहाँ पे जो है रखा गया है। और उसके पास में है टेलर हाउस, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेलर हाउस लिखा है, यहाँ पे दर्जी का काम यहाँ। और उसके पास में किसी का घर है, और यहाँ पे देखिए पूरा जो है पूरा डिटेल में यहाँ पे जो है लिखा गया है, ठीक है। और उसके पास में ये वाला घर, सुनो आगरा ब्राह्मण्स कॉम्प्लेक्स, मतलब ये यहाँ पे ओनली ब्राह्मण्स रहते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ब्राह्मण के बच्चे यहाँ पे ज्ञान पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और हम भी ब्राह्मण हैं तो तो आपको दिखाते हैं, ठीक है। मंगलोर हाउसेस, ठीक है, मतलब ये ना जो महाजन होता है गांव में, महाजन एक रहते हैं ना, तो वो महाजन का घर है ये। यहाँ पे देख सकते हैं वो लोग खड़े हैं यहाँ पे, और उनका पेरेंट्स भी हैं और उनका बच्चे भी वहाँ पे जो है खेल रहे हैं। और इस साइड में भी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ आंगन वगैरह है, जैसे कि बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है रिसोर्ट। यहाँ पे अपने मूवी में देखा होगा कि जहाँ पे कर्ज वगैरह लेते हैं, जो उधार जैसे लेते हैं आपको पैसा वगैरह, और यहाँ पे कुलकर्णी हाउस लिखा ना, वहाँ पे कुलकर्णी हाउस। और फ्रेंड्स गांव में इसको सगड़ बोलते हैं, जो बैल से खींचा जाता है, ठीक है, काठ, बुलक काठ, इसको बुलक काठ बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, ठीक है, वेलकम देयर। सो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ विलेज हेडमैन्स हाउस, जो मुखिया रहता है, सरपंच जिसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है ये सरपंच का घर है, आपको थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं सरपंच का घर। गांव में सबसे बड़ा घर सरपंच का ही होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी का गाय रखे हैं यहाँ पे, और वहाँ पे भी देख सकते हैं किसी का घर है। उस साइड में भी जाएंगे, पहले जो है सरपंच के घर से होते हुए हम जाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए सरपंच का घर, वो सरपंच जी बैठे हुए हैं, और कोई यहाँ पे देखिए कोई कुछ उसका जो प्रॉब्लम वो बताने के लिए आया है, और यहाँ पे देखिए उसका जो चल रहा है काम। ये देखिए यहाँ पे गाय भैंस बैल सब कुछ है। यहाँ पे देखिए कैसे इसको जो है फिल्म बना गया है, आपको साउंड भी आ रहा होगा, ठीक है। हाँ वो देखिए फ्रेंड्स एक रेडियो वहाँ पे है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो जो रेडियो था उसका ये साउंड है ये। जब आप महाजन के घर से बाहर आते हैं तो उसका आउटसाइड में देखिए यहाँ पे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है टॉयलेट है सबसे जो बैक साइड में, लेडीज़ और जेंट्स के लिए दोनों के लिए यहाँ पे टॉयलेट है।
और पीछे से ये घर ऐसा दिखता है। ठीक है, और ये किसी का घर से फिर हम एंट्री हो चुके हैं, एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए जितना भी स्टैचू वगैरह इन लोगों ने बनाया है, मतलब दाग देना पड़ेगा। ओपन स्पेस है तो आपको एक 360 व्यू दिखा देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जितना सारा जो इलेक्ट्रिक का सरंजाम किया गया है, मतलब इलेक्ट्रिक का जो वायरिंग वगैरह सबका, जो इलेक्ट्रिक पावर जो एनर्जी आता है वहाँ पे देख सकते हैं, सोलर सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है जो सबसे बड़ी जो है प्लस पॉइंट है यहाँ पे, तो जो है ना इलेक्ट्रिक कंज्यूम करने के लिए सोलर सिस्टम लगाया गया। और ऐसा अगर आप चाहते हो तो आप अपने घर पर लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं रूरल टब हाउस। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो है जो यहाँ पे लिखा गया है उसका डिस्क्रिप्शन जो लिखा गया है, तो वो आप खुद जो है वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे जो इसका मीनिंग क्या है पूरा जो है डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो देख के आप खुद ही खुद को, मतलब अगर आप गाँव से बिलोंग्स करते हो और आप अगर बात करेंगे 90s के ज़माने के, तो आप खुद को रिलेट कर पाओगे। तो ऐसा जितना भी सारा एक्टिविटी चल रहा था गांव में, तो सारा का सारा एक्टिविटी यहां पे इन्होंने आर्टिफिशियल के तरह से बना दिया है। ठीक है, ऐसा प्लेस बेंगलोर में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलो कोई नहीं, तो एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है तब जाके ये सभी सामने आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कुत्ते अपने जो है बच्चे को यहाँ पे जो है पिला रही है दूध। ठीक है, देख सकते हैं पूरा रियलिटी जो आपके सामने आएगा, मतलब ऐसा जो बनाया है यहाँ पे बनाए हैं, मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे इसको डेकोरेशन किया है और अपने हाथों से, उनको दाग देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए वॉल पे जो है ना काउडंक जो था उसको यहाँ पे लगाया गया है। ये देखिए ओलिमिनेंस रिफिनरी जो तेल निकलने का काम यहाँ पे होता है, तो पहले गाय या फिर भैंस को एक घड़ा में रख के आपको जो है तेल निकाला जाता था, तो वो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। मतलब भाई क्या बताऊँ, बहुत ही शानदार नज़ारा, और जो एकदम से आर्टिफिशियल चीज़ है बट आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आर्टिफिशियल है, मतलब रियलिटी को पूरा आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं। शेफर्ड्स क्विक, देखिए पोस्टमैन आ रहा है साइकिल पे और चिट्ठी देने के लिए, देख सकते हैं अभी रूरल हाउस लिखा है। ये देखिए यहाँ पे कपड़ा साफ हो रहा है, और यहाँ पे देखिए धोबीज हाउस जो कपड़े वगैरह साफ करते हैं ना, पहले ये दिखा देता हूँ। धोबीज हाउस, गांव में एक धोबी रहता है जो कि सारा का सारा कपड़ा लेके धो के उसको इस्त्री करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो खिलौना बनाते हैं उनका घर है ये। ठीक है, टॉय मेकर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है टॉय मेकर्स हाउस जो कि
खिलौना बनाते हैं, उनका घर है ये छोटा सा, और उनका पूरा फैमिली और उनका जो है पूरा एनिमल से लेकर। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बकरी वगैरह हैं, और ये किसका हाउस है ये भी देख लेते हैं। ये मूर्तिकार है फ्रेंड्स, ये पत्थर को तोड़ के मूर्ति बनाने का काम इनका है, ठीक है। और उनका फैमिली है, यहाँ पे देखिए शायद ये एक प्रेग्नेंट लेडी है जो कि यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ बात कर रहे हैं यहाँ पे। मेडर हाउस, जो बांस से बना हुआ चीज़ हम जो यूज़ करते हैं गांव में बेसिकली, तो उस जितना भी सारा सामान बनता है बांस की पेड़ से, जो बाम्बू का पेड़ बोलते हैं उसको, तो उसका काम ये लोग करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कहते हैं पॉटर्स हाउस, पॉटर्स, ठीक है। तो मिट्टी का काम यहाँ पे चलता है, जितना भी सारा सामान मिट्टी का रहता है तो ये लोग उस पे काम करते हैं और जो सामान बनाते हैं। टमाटगर्स हाउस, यहाँ पे तांबा पीतल उसका बनाने का जो काम करते हैं लोग, ये देखिए रूरल बार बार लिखा है यहाँ पे। ये बार-बार का घर है, और देखिए ये बंदे ने यहाँ पे चिलम फूकना शुरू कर दिया है यहीं से। और यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं, जो राइट साइड पे बेंगल मेकर्स रेसिडेंस, तो ये लोग चूड़िया बनाते हैं, ठीक है, बेंगल्स बनाते हैं बेसिकली, तो उनका घर है ये। तो इसका मतलब ये है कि एक विलेज में जितना सारा एक्टिविटी होता है तो सारा का सारा एक्टिविटी यहाँ पे भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए लोहे का काम चल रहा है, मतलब जो यहाँ पे देखिए लिखा है ब्लैकस्मिथ्स हाउस, ठीक है, लोहार, लोहार का हाउस है ये। ये देखिए यहाँ पे कारपेंटर का काम चल रहा है, यहाँ पे लिखा है कोड़ाबास हाउस। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स उनका फैमिली, उसके डॉग। अरे ये देखो यहाँ पे एक छोटा बच्चा क्या कर रहा है, देखो ये देखो सुसु कर रहा है शायद, देखो हंस रहा है, बोला भाई ने हमने वीडियो बना लिया, देखो। और यहाँ पे लिखा है स्कूल टेंपल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली हमारा जो है स्कूल आ चुका है, स्कूल टेंपल यहाँ पे लिखा है, जो जिसको चाटसाली बोलते हैं, मतलब गांव में ऐसे ही पढ़ाते हैं मतलब। और फिर आते हैं जो है गांव के कुछ मंडप जिसको बोलते हैं ना, जहाँ पे सभी लोग बैठ के बातचीत करते हैं, कुछ फैसला अगर सुनाना है तो वहाँ पे बैठते हैं, पंचायत जिसको बोलते हैं, गांव का पंचायत। यहाँ पे देखिए लिखा है पंचायत प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे गांव का लोग बैठ के और जो समाधान करते हैं कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। और पानी पीने के लिए गाँव में वेल का यूज़ करते हैं, जो कुआँ बोलते हैं उसको, यहाँ पे देख सकते हैं गाँव का पीछे है एक कुआं जिससे पानी सभी लेके पानी पीते हैं। और यहाँ ये किसका हाउस है अभी देख लेते हैं, फिशरमैन्स हाउस। लाइम स्टोन बनाते हैं ये लोग, भट्टी में ये डाल के बनाते हैं। और इसके बाद आते हैं, हाँ ये बंजारन लोग रहते हैं, यहाँ पे लिखा है ना लंबानी, लंबानी हाउस, लंबानी हाउस,
मतलब इनका काम रहता है, ये लोग सभी ऐसा करते हैं, काम करते हैं, किसी के घर में काम करते हैं ये लोग। हाँ, और यहाँ पे आते हैं, ये है कबलर्स हाउस मोची, जो शू वगैरह रिपेयर करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए मोची का हाउस और उसका फैमिली। अभी फ्रेंड्स आपको पूरा हमने जो है विलेज का जो है माहौल, पूरा विलेज का एरिया हमने आपको घुमा के दिखा दिया है, ठीक है। इनसाइड विलेज में कौन सा फैमिली रहते हैं, कौन सा लोग रहते हैं, कैसा उनका जो है यूज रहता है। और यहाँ पे देखिए लिखा है, अब आते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम। अभी फ्रेंड्स हम एंटर करेंगे जो फार्मिंग एरिया में, कैसे फार्मिंग होता है वो देखते हैं, ठीक है। फार्मिंग को एंटर करते ही सामने दिखे डॉग्स जो कि झगड़ा शायद कर रहे हैं। और यहाँ पे सनफ्लावर्स, यहाँ पे जो है भुट्टे, शुगर केन यहाँ पे। और यहाँ पे कोई बच्चे यहाँ पे देखिए खेल रहे हैं। और यहाँ पे जो है खेती शुरू हो चुका है, फार्मिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना जो बैल को बांध के जब आप क्या करते हैं, जो राइस का पेड़ रहता है ना उसको ला के बैल सभी बांध के यहाँ पे उसको जो है काम किया जाता है। थ्रेसिंग एक्टिविटीज लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सभी काम चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ गाना ये लोग हल यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए हल चला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हल का काम चल रहा है, ठीक है। फार्मिंग वही कहते हैं इंडोजिनस फार्मिंग सिस्टम। उसके बाद आते हैं, यहाँ पे आता है मार्केट, तो सब्जी मार्केट, सब्जी मंडी या फिर सब्जी मार्केट। यहाँ पे देख सकते हैं गांव का लास्ट में, यहाँ पे देखिए फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पे, ये मार्केट में सब कुछ मिलेगा आपको। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि फार्मर्स मार्केट, ये देखिए या फिर कैटल फेयर, यहाँ पे देखिए लिखा है कैटल फेयर, ठीक है। ये देखिए, और ये जो मार्केट में एक कैटल फेयर रहता है, मतलब जहाँ पे बैल वगैरह सब बेचते हैं जो, हाँ ये देखिए वो एक ले रहा है, दांत देख रहा है उसको, क्योंकि जब भी आपको गाय या फिर भैंस लेना पड़ा होता है तो आप जो उसका दांत देख के आपको खरीदना पड़ता है, तो वहाँ पे ये लोग वैसे ही एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप खुद बनाओगे, खुद बना के खुद ही लोगे, तो आप घर को लेने के लिए वो देखिए आपको जो दिखाते हैं ये कुछ। यहाँ पे देखिए अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे है, आपको हेल्प करेंगे बनाने के लिए। मिट्टी में सारा चीज़ यहाँ पे बनता है, देखिए एक मशीन है जिसमें यहाँ पे मिट्टी में बनता है, बनाते हैं चीज़। तो फ्रेंड्स हम आपको बारीकी से दिखाते हैं, थोड़ा पास में आके, वो फ्रंट साइड में हम आपको दिखा रहे थे, अभी बैक साइड से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जितना सारा चीज़ आर्टिफिशियल चीज़ बनाया हुआ है, यहाँ पे पूरा रियलिटी रियल जैसा दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा जूम करके हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं ये मिर्ची का बैग है, एकदम ऐसा लग रहा है कि पूरा रियल है, ठीक है। और गार्डन है, तो अगर आपको भूख लग रहा है तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स डिनर के लिए व्यवस्था किया गया है, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे जवार रोटी थाली 299 रंगोली किचन। और यहाँ पे घोड़े का सवारी करने के लिए यहाँ पे घोड़े रखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। भाई घुमाने का कितना लेते हो? 100 रुपीज पूरा घुमाते हो यहाँ पे? हाँ। इनसाइड में भी जाते हो क्या या फिर आउटसाइड ओनली घुमाते हो? अंदर ही पूरा घुमाते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रथ वगैरह भी रखा हुआ है, यहाँ पे काट, ठीक है, हॉर्स काट इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो इनका चार्जेस है 100 रुपीज़,
तो यहाँ पे पूरा आपको घुमा के दिखाएंगे। और नहीं तो यहाँ पे देखिए ड्रिंकिंग वाटर रखा गया है, यहाँ पे आपका रिवर इन साइड में ही है, वो मैं देखा नहीं यहाँ पे होटल पे आप यहाँ पे पीछे। अभी चलते हैं कुश्ती के मैदान में, यहाँ पे देखो कुश्ती चल रहा है ना। कम तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कुश्ती का मैदान, कुश्ती चल रहा है यहाँ पे, ये देखो ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मैदान भरा हुआ है, दोनों दो कुश्तीबाज कुश्ती लड़ रहे हैं यहाँ पे। क्या है, क्या ये म्यूजियम है, क्या है भैया? बफेट? नहीं नहीं नो एंट्री है, ठीक हम जाएंगे नहीं, बस खाने के लिए ही यूज होता है ना। अच्छा अच्छा, पर हेड हाउ मच? 299। उसमें क्या क्या आता है? मतलब नॉन वेज नहीं, ओनली वेज राइट। हाँ जी, हाली अंगाड़ी मतलब यहाँ पे जो ना हैंडक्राफ्ट सब वगैरह मिलता है, पूरा घर का सामान वगैरह आपको सजाने के लिए बस डेकोरेशन का। हाँ हल्ली विलेज। अच्छा अच्छा, हल्ली का मतलब विलेज है, अंगाड़ी मतलब शॉप। अच्छा विलेज शॉप, हल्ली अंगाड़ी मतलब विलेज शॉप। ये क्या आयुर्वेदिक है सभी पत्ते वगैरह? ये क्या पापड़? हाँ होम मेड पापड़, वो देखो भाई सब बहुत ही अच्छा है। ये क्या पीठ खुजाने के लिए? ये देखो पीठ खुजाने के लिए देखो। और ये वाला, ये नारियल का, नारियल के छिलके से बना हुआ है देखो। तो फ्रेंड्स ये हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे कुछ बैठने के लिए जगह बनाया गया है, आप देख सकते हैं स्टैचू वगैरह, आप यहाँ पे फोटो भी ले सकते हैं। और यहाँ पे कुछ कन्नड़ में लिखा है, मुझे तो पढ़ना नहीं हो रहा है, आप पढ़ पा रहे होंगे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉल्क थिएटर लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी कन्नड़ में लिखा है शायद, यहाँ पे देखिए जनपद रंग मंदिर लिखा है यहाँ पे। कम्बला आधा पानी में। अच्छा वो जंप करते हैं, समझ में आया? हाँ वो साथ में जंप करते हैं, यहाँ पे ये रहना फिर यहाँ पे जंप करना ऐसा होता है, यहाँ फिर यहाँ। हाँ करेक्ट, कौन ज्यादा जंप करता है? करेक्ट। और ये लोग सब देख रहे हैं, देखो भाई क्या नजारा है, मतलब ये इसीलिए इसको एनर्जी पार्क बोलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ना पेड़ वगैरह लगाया तो रहता है, तो यहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनसाइड में क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा है देखिए पूरा, यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया गया है जनरल यूज। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरह से जो है सोलर सिस्टम को डिजाइन किया गया है पेड़ के जरिए, ऐसा लगा कि कोई पेड़ में फूल लगा हुआ हो, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम एग्जिट पॉइंट पे आके पहुंच चुके हैं, ठीक है, और मैंने आपको पूरा जो है मॉडर्न विलेज दिखा दिया है यहाँ पे बेंगलोर पे। आपके साथ पूरा जो है लोकेशन शेयर कर दूंगा, आप अगर चाहें तो यहाँ पे विजिट करके आप देख सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है तो फिर मिलते हैं और एकदमदार मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।